हेलो गाइस, मैं अंकुर आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। यहाँ पे गाइस SBFC फाइनेंस का अलॉटमेंट कल यानी कि 10 को नहीं आया, तो आज यानी 11th ऑफ अगस्त को कब तक आ सकता है, यहाँ पे क्या टाइमिंग देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे क्रेडिट डेबिट का मैसेज भी कुछ लोग को आया, कुछ लोग को नहीं आया है, वो भी आपको इस छोटी सी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। एंड गाइस साथ में ही इसका ग्रे मार्कर में डाउन होता हुआ दिखा है, तो आपको वीडियो के एंड में वो भी बताने वाला हूँ कि क्यों ग्रे मार्कर में डाउन होता दिखा है और लेटेस्ट जो GMP है ग्रे मार्कर प्रीमियम है वो हमें कितना देखने को मिल रहा है। तो वीडियो आप पूरा देखना बिना स्किप किए हुए ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि मेरे पास 100 ऑफ कमेंट्स पड़े हुए हैं कि मुझे IPO का ये मैसेज आया क्या इसका है, ठीक है। तो आपको वो भी बताने वाला हूँ कि उन मैसेजेस का मतलब क्या है, जिनको नहीं आया है उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस डेट्स आप देख लो, आज है 11th और जो डेट थी वो आने वाली थी 10th को SBFC फाइनेंस का अलॉटमेंट। यहाँ पे जो रजिस्ट्रार है वो KFintech है, इसके लिए मैंने आपको कल भी अपडेट दिया था और कल रात को करीब 12:40 के आसपास क्रेडिट डेबिट मैसेज आना स्टार्ट हो गया था, तो मैंने इसका एक डिटेल वीडियो डाल दिया था कि इसका क्या मतलब होता है, नहीं आया तो किसको मिला किसको नहीं मिला, ठीक है। बट यहाँ पे एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर जो आपको किसी IPO का क्रेडिट का मैसेज आपको आया है यानी आपके अकाउंट में पैसा वापस आ गया तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, आप चेक करोगे तो भी नहीं बताएगा। लेकिन अगर जो डेबिट का मैसेज आ गया यानी आपके अकाउंट से पैसा चला गया तो समझो आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, ठीक है। कई लोग आता है रिमूव का मैसेज, मतलब आपका पैसा रिमूव हो गया अकाउंट से, मतलब कट गया, तब तो आपको अलॉटमेंट मिला है। और अगर जो आपका एप्लीकेशन रिमूव या रिवोक हो गया है तो आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे यही 2-3 चीजें होती हैं कि आपको पता चलता है, फिर आप एप्लीकेशन में जाके चेक करते हो, मतलब जिससे आपने लगाया होगा IPO तो वहाँ पे कुछ भी शो करता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, यहाँ पे लोग BSE का डेटा बार बार चेक कर रहे हैं, तो गाइस BSE का जो डेटा होता है वो लिंक होता है ऑफिशियल रजिस्ट्रार से यानी कि KFin, जब KFin देगा तभी BSE पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और आपको क्रेडिट डेबिट को ढंग से समझना है तो ये वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, SBFC फाइनेंस क्रेडिट डेबिट टेक्स्ट मीनिंग, तो ये वाली वीडियो एक बार आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप जान लो कि अभी तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया है, करीब 11 बजे का स्क्रीनशॉट है देख लो यहाँ पे, ठीक है, टाइम अलॉटमेंट नहीं आया है। और की जो एग्जैक्टली टाइमिंग होती है नेक्स्ट डे वो कोई प्री डिसाइडेड नहीं होती है, जैसे फर्स्ट डे पे क्या होता है कि शाम को 8 बजे के बाद इनको अलॉटमेंट देना चाहिए, बट नेक्स्ट डे प्री डिसाइडेड नहीं होता है। तो यहाँ पे पिछले कई बार देखने को मिला है कि हमें सुबह 9 बजे IPO दे दिया अलॉटमेंट, ठीक, कभी 11 बजे दे दिया है, कभी यहाँ पे 12-1 बजे उन्होंने दे दिया है। तो फिलहाल 11 बज चुका है, नहीं कुछ आया, तो मेरे हिसाब से 12:30 के आसपास देने के चांसेस हैं या फिर शाम को 4-5 बजे। तो कोई प्री डिसाइडेड टाइम यहाँ पे नहीं है कि अलॉटमेंट इस टाइम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो आप KFintech की वेबसाइट का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप जाकर चेक कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पे आपको कई सारे सपोर्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देख लो, हम यहां पर रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, जैसे ही अलॉटमेंट आएगा आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। इवन यहां पे देखो बैंक निफ्टी का चार्ट भी हमने शेयर किया है और एक कॉल भी दी थी, हालांकि रेंज बाउंड मार्केट की वजह से 18-19 पॉइंट का गेन देखे वो ज़ुप, SL चली गई 33 पॉइंट का छोटा SL, बट ऐसा डेली नहीं होता। देख लो कल के दिन यहां पे जैकपॉट 6-7 कॉल, यहां पे देख लो 135 पॉइंट गेन उसके एक दिन पहले का, ठीक है। इस हफ्ते का देख लो आप, यहां देख लो 410 पॉइंट गेन, 280 पॉइंट गेन, 80 पॉइंट गेन, तील कॉल यहां पे देख लो आप, 245 पॉइंट, 175 पॉइंट, यहां पे देख लो आप 120 पॉइंट, 220 पॉइंट, अलग एक कॉल पेंडिंग थी, यहां पे देख लो इंट्राडे कॉल 70 पॉइंट गेन। तो यहां पे आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे कॉल सारा कुछ देखने को मिल जाता है, और अलॉटमेंट जैसे आएगा आपको अपडेट कर दूंगा। बार बार जाके चेक करो, परेशान हो उससे तो बेहतर ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और आपको एक बार में अलॉटमेंट पता चल जाएगा, बार बार परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। और अगर जो आपको सिर्फ अलॉटमेंट से मतलब है, कॉल नहीं चाहिए, आपको सीखना नहीं है, निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे से कोई मतलब नहीं है, तो आप ये चैनल ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में नंबर 2 पे लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है, चाहे IPO हुआ या फिर मार्केट की कोई भी रिफाइन न्यूज़ हो या क्वार्टर का रिजल्ट अपडेट्स हुए, ठीक है। तो ये वाला चैनल ज्वाइन करना अगर जो आपको सिर्फ अलॉटमेंट से मतलब है, तो यहाँ पे आपको बता दूंगा। और अगर आपको चीज़ें सीखनी है करना है तो फिर नंबर 1 वाला चैनल ज्वाइन करना, और ये नंबर 2 का है। तो यहाँ पे गाइस अलॉटमेंट आने कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, क्रेडिट डेबिट मैसेज जो होता है वो कुछ ही लोगों को आता है, ऐसा नहीं है कि सबको आता है, मैक्सिमम 1% लोगों को। तो आपको नहीं आया तो आपको अलॉटमेंट का वेट करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि सबको ही मैसेज आता है, मुझे अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया है किसी भी अकाउंट का, ठीक है। अब यहीं पे गाइस SBFC फाइनेंस से ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लूँ, तो यहाँ पे जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम निकलता हुआ दिख रहा है वो हमें 35-38 रुपये के बीच में आ गया, 35 रुपये तक की डिमांड आ गई, ठीक है, जो कि 39-40 था, फिर कल 38 रुपये में देखने को मिला था, और अभी 35-38 रुपये का बीच देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग 35 में भी सेलिंग और बाइंग कर रहे हैं, इसलिए डिमांड डाउन देने को मिली है। डिमांड कम होने का रीज़न ये हो सकता है अलॉटमेंट का लेट आना, लोग हो सकता है इस वजह से बेच रहे हो, लेकिन ये कोई पुख्ता रीज़न नहीं है, ठीक है। बट एक
बात है कि इस चीज को हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो मेजर रीजन मुझे लग रहा है जीएमपी डाउन होने का, वो ये है कि दूसरे कई आईपीओस का आना और कई आईपीओस का लगातार अनाउंस होना, इस वजह से हमें इसमें फॉल होता दिखाया। तो जैसी अलॉटमेंट क्लियर होगी, हो सकता है ये फिर से बढ़ता हुआ दिख जाए, और ऐसे पीछे कई बार आईपीओस में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस इसका ग्रे मार्केट डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी लिस्टिंग गेन जो है वो काफी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। एक लॉट में देखा जाए तो करीब हमें 9880 रुपए देखने को मिल रहा है, और उसके हिसाब से देखें तो करीब 65-66% की लिस्टिंग होती है। तो ग्रे मार्केट के हिसाब से अभी भी बढ़िया है, 60% के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये ठीक है, और ये जीएमपी का डिमांड बढ़ भी सकता है। तो आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सही चैनल से जुड़ना आप, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, करते वीडियो का, थैंक यू वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे हेल्दी स्टे वेल्दी एंड बाय बाय फॉर नाउ।